नमस्ते सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा फिट फॉर लाइफ जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 दिन बाद, तो उसकी जो सेकंड वीक है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। फर्स्ट वीक के बारे में मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, तो आज की इस वीडियो में हम दूसरे, तीसरे और जो चौथा वीक है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उसमें हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि हमने जाना था कि जो फर्स्ट वीक है हमारा, उस फर्स्ट वीक में हमने बॉडी की कंडीशनिंग की थी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार किया था, अपने शरीर को तैयार किया था, खुद की असेसमेंट की थी कि हम किस लेवल पर हैं, कैसे शुरू करना है अपने आप, जो फिटनेस की जर्नी है वो कैसे शुरू करनी है। अपने भोजन के प्रति हमने खुद को जागरूक किया था। अब इस वीक में टाइम है थोड़ा इम्प्लीमेंट करने का। अब मैं आपको सेकेंड वीक से आपको थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करना सिखाऊंगा। दूसरा मेन हम सीखेंगे इस वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम कोई बाहर के इक्विपमेंट यूज नहीं करने वाले, हम आपके ही बॉडी वेट को एज ए इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं। क्योंकि जब हम बाहर के चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, वहाँ पर जिम नहीं है, कोई डंबल नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो शरीर है, इसका जो वेट है, इसको ही हम हैंडल कर लें अच्छे से, इसको जो मैनेज कर लें, वही सारी चीज़ें सीखेंगे, मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइज सीखेंगे। कुछ इक्विपमेंट जो सपोर्ट करने के लिए, जैसे पिल्लो, चेयर वगैरह जो हर जगह अवेलेबल होती है, उनका हम उपयोग करेंगे। जो बेसिक छोटी मोटी चीज़ें घर की रहती हैं उनका हम उपयोग कर लेंगे। तो इसमें हम मेन करने वाले हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है कि शरीर में एक बेसिक स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है। योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सिखाता, योग आपके शरीर को मजबूत भी करता है। मसल्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपको, जो डेली रूटीन के कामों में जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और उससे भी आगे अगर आप एक बेसिक स्ट्रेंथ है तो उसको एडवांस कैसे किया जाए, वो हम एक प्रोग्रेसिव मेथड, हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से बहुत सारे एक्सरसाइजेज सीखने वाले हैं। स्ट्रेंथ में हम कोर स्ट्रेंथ भी सीखने वाले हैं, फुल बॉडी स्ट्रेंथ सीखने वाले हैं, उनमें एक्सरसाइजेज करने वाले हैं, उनको किस हिसाब से प्रैक्टिस किया जाए वो हम लर्न भी करेंगे और उनको करके भी देखेंगे साथ में, ताकि वो एक्सपीरियंस आपको आपके माइंड में फिक्स हो जाए। अगर सिर्फ सीखेंगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। तो इसमें हम सिर्फ सीखने वाले नहीं, इसमें हम करने वाले भी हैं। तो कोर स्ट्रेंथ में क्या है कि पूरी बॉडी के पोस्चर को, पूरी बॉडी को जो मेंटेन करती है, आपके सारे बॉडी अलाइनमेंट को, आपकी कोर है। तो उस कोर के सारे हिस्से, आपकी बैक हो गई, आपका एब्डोमेन हो गया, साइड्स हो गई, सब को हम ट्रेन करने वाले हैं, जिससे वो टोन भी होंगे और ट्रेन भी होंगे। उसके अलावा हम स्ट्रेंथ के साथ साथ इसमें एंड्योरेंस, कार्डियो को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपका थोड़ा स्टेमिना बढ़े। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है, आप आराम से चढ़ सकें, अपना डेली रूटीन के काम बिना थके हारे आप कर सकें, तो वो स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों हम करने वाले हैं। और दूसरे वीक में हम स्ट्रेचिंग के बारे में सीखने वाले हैं। पहले वीक में हमने मोबिलिटी के बारे में सीखा था, जॉइंट्स के बारे में सीखा था, यहाँ पर हम स्ट्रेचिंग का क्या बेनिफिट है, मतलब मसल्स को स्ट्रोंग करना, मजबूत करना, खींचना, उनके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम सीखने वाले हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग का क्या महत्व है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस टाइम पर करनी चाहिए, उसका क्या, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेन हमारा सेकेंड वीक में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और आपकी स्ट्रेचिंग के ऊपर ही फोकस रहेगा। स्ट्रेंथ में कोर स्ट्रेंथ और फुल बॉडी स्ट्रेंथ रहेगी। इस स्ट्रेंथ के पार्ट में हम पूरी बॉडी को यूज करने वाले हैं और सारे मसल्स ग्रुप के अलग अलग एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जो फुल बॉडी के लिए हैं, जो बिगनिंग में आप फुल बॉडी के लिए कर सकते हैं। फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी मसल ग्रुप को टारगेट करना है, तो वो भी आप बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं, उसको किस हिसाब से प्रैक्टिस किया जाए। अगर वो एक लेवल आपका कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, अगर वो पहला लेवल आपसे नहीं हो रहा तो उसका बिगनर लेवल क्या है, ऐसे सारी एक्सरसाइजेज को हम सीखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वीक की। तीसरे वीक में हम मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपनी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या, जो कि योग का एक मेन हिस्सा है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाएं और फ्लेक्सिबल बल रहते हुए स्ट्रोंग कैसे बने, वो सारा सिस्टम हम इसमें सीखने वाले हैं। इसके साथ ही, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ही हम अपनी मोबिलिटी, जो रेंज ऑफ मोशन है, जो आपकी जो रेंज है आपके अलग अलग जॉइंट्स की, अलग अलग बॉडी पार्ट्स की, उनकी रेंज को कैसे बढ़ाया जाए, आप एक अपने कंफर्ट जोन में कैसे आएं, कि आप डेली रूटीन के काम, उठते बैठते टाइम अगर आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी पड़े, फ्रीली आप कर सकें,
उस रेंज को बढ़ाने का तरीका भी हम उसमें सीखने वाले हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के बाद हम सीखने वाले हैं इसमें बैलेंसिंग। जैसे कि मैंने बताया, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ठीक होना ज़रूरी है कि अगर आप आपके दोनों पैरों पर आप वेट कहाँ पर डाल रहे हैं उस बैलेंसिंग के ऊपर काम करना है हमें, जो कि हमारे बैलेंसिंग वाले जितने भी पोस्चर्स हैं उनका अभ्यास करने वाले हैं, उनकी प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं, उसमें बॉडी अलाइनमेंट को कैसे रखना है उनके मैक्सिमम बेनिफिट को लेने के लिए, वो सारा हम इस वीक में सीखने वाले हैं। बैलेंसिंग के बाद इस वीक में जो तीसरा हफ्ता है उसमें हम सीखने वाले हैं ब्रीदिंग और प्राणायाम, मतलब हम सांस कैसे लेनी चाहिए और प्राणायाम के विभिन्न तरीके जो एक आपके लिए ज़रूरी है, अगर कोई एडवांस करना चाहता है तो उसको प्रोग्रेस कैसे करना है, बिगनिंग कहाँ से करनी है और किस लेवल तक आप जा सकते हैं, तो वो बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल में आपको सिखा दूंगा प्राणायाम का। एडवांस लेवल अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको पहली चीज़ तो पहले पता होगा अगर आप एडवांस लेवल तक गए हुए हैं, तो अगर नहीं गए हुए तो वो आपको एक गुरु की देख रेख में ही करना होता है प्राणायाम। तो आप बिगनर टू एडवांस लेवल प्राणायाम की विभिन्न साधनाएँ हैं, एक जो प्रचलित हैं, कुछ जो हर जगह की जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अभी नहीं पता है लोगों को, और वो मुख्य प्राणायाम और उनका मुख्य बेनिफिट वही है। जब एक लेवल तक आप मान लीजिए आप कपालभाति अनुलोम विलोम हैं, ये हर कोई कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर जाके जब आपसे ये ईजिली होने शुरू हो जाए, इनकी एक गति तक पहुँच जाओ, एक लेवल तक पहुँच गए, तो उसके बाद आपको वहाँ से प्रोग्रेस करनी होती है, वहाँ कुंभक लगाने होते हैं, उसमें क्या करना है कैसे लगाना है वो हम सारा इसमें प्राणायाम में सीखने वाले हैं। पहले हफ्ते में हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करेंगे, फिक्स करेंगे, और तीसरे हफ्ते में प्राणायाम के अभ्यास को हम शुरू कर देंगे। उसके बाद हम प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम माइंड ट्रेनिंग करेंगे। माइंड ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं हैबिट क्रिएशन, कुछ जो टिप्स और ट्रिक्स जो हमें माइंड को अपने कंट्रोल में करने के लिए उपयोग करने चाहिए, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। ये जितना भी प्रोसेस है अगर आप नहीं भी कर पाएंगे, मान लीजिए आप फिट फॉर लाइफ को पूरा कर पाएंगे तो भी अपने मन की वजह से कर पाएंगे, अगर आप नहीं भी करेंगे या आप ज्वाइन भी नहीं करेंगे तो वो भी आप अपने मन की वजह से ही करेंगे। मन हर चीज़ का कारण है, 75% आपका माइंड है, जिसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है, उनके क्या क्या रोल हैं, उनमें किस प्रकार से चीज़ें डेवलप होती हैं, किस प्रकार आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, किस प्रकार आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, वो हम इसमें माइंड ट्रेनिंग वाले पार्ट में समझने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ प्राणायाम चलते रहेंगे साथ साथ में, लेकिन माइंड ट्रेनिंग का पार्ट भी चलता रहेगा। कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको दूंगा जो आपको घर पे भी करनी है और वहाँ क्लास में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका माइंड स्ट्रोंग हो, आप उसको रीप्रोग्राम कर सको, आप समझ सको कि हमारी जो आदतें हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, हमारी धारणाएँ कैसे डेवलप होती हैं, हम किसी बात में सुखी दुखी कैसे होते हैं। कोई व्यक्ति किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कूल रह पाता है और कोई छोटी सी बात पर ही इतना उसके इतने मूड फ्लक्चुएट हो जाते हैं, इतनी बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो क्यों होता है, वो सारा हम माइंड ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी सीखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ वीक की। फोर्थ वीक में हम पहले सबसे पहले तो जो तीन हफ्ते में हमें सीखा उसको कंबाइन करके उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे प्रैक्टिस करना है वो हम सीखने वाले हैं। उसके हम कंबाइन करके कुछ वर्कआउट्स डिज़ाइन करेंगे, कुछ उनको वो आप लिख भी सकते हैं, उनको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। तो उन वर्कआउट्स को हम प्रैक्टिस करेंगे डेली लास्ट के हफ्ते में। साथ में हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हम रिकवरी कैसे करनी है। अब हमने मेहनत करनी तो सीख ली, उस मेहनत से रिकवर कैसे होना है, खुद को दोबारा से ठीक कैसे करना, रिपेयर कैसे करना, ताकि आप अगले दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उठो, आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हर रोज़ हो सको, तो रिकवरी के बारे में हम सीखेंगे कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कौन से आसन आप प्रयोग कर सकते हैं, कौन से हिस्से के लिए कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो रिकवरी वाले पार्ट में करेंगे। डाइट में क्या ले सकते हैं, डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में हम मुख्य लास्ट वीक में थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाले हैं, क्योंकि डाइट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा जो आप घर में रहते बिना किसी डाइट प्लान के खुद उपयोग करके अपना वजन कम या ज़्यादा कर सकते हैं या बीच में लेके आ सकते हैं, कम है तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा हुआ है तो कम कर सकते हैं। उसकी जो रूट कोज है उसको भी समझ लेंगे कि जो डाइट प्लान है क्यों काम नहीं करते, क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या प्रो कॉन्स क्या रहती हैं और हमें क्या उपयोग करना चाहिए, वो बेसिक रूल्स जो हैं वो डाइट के, और थेरेपेटिक डाइट अगर आपको ज़रूरत है तो उसका हम वो भी हम समझने वाले हैं कि थेरेपेटिक डाइट में क्या क्या हम चीज़ें उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है।
तो वो बेसिक रूल्स हम सारे डाइट और न्यूट्रिशन के पार्ट में सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इन सारे चार हफ्तों में हम कोई आपको कोई कोर्स करा के कोई टीचर नहीं बना रहे, लेकिन हम आपको वो नॉलेज दे रहे हैं जो एक हर इंसान के पास होनी चाहिए, जो हमें कहीं ना कहीं स्कूल में सिखा देनी चाहिए, जो हमें सिखाई भी हो तो हमने कभी उपयोग नहीं की, वो सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि हम पहले से ज़्यादा हेल्थ के प्रति अवेयर हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से लर्न करने वाले हैं, अगर भूल गए हैं तो, अगर नहीं पता है तो उसको हम सीखने वाले हैं। अगर आप लिख उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको साथ साथ में दूंगा अगर आप सीखना चाहें तो। और लास्ट में हम पूरे इन चार हफ्तों में जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी आपके जो हेल्थ और वेलनेस के जो सारे पार्ट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो थीम दिया है, एक तो यिन और यांग का थीम दिया, यानी इसमें आपकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेज को दोनों को सम्मिलित किया है मैंने, दोनों को ऐड किया है, ताकि दोनों ही चीज़ें आपके अंदर डेवलप हों, दोनों ही एनर्जीज बैलेंस हों आपकी। अगर हम स्ट्रोंग हो गए तो आपने देखा होगा बहुत स्ट्रोंग लोग होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म होती है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो कमज़ोर रहते हैं, पतले पतले रहते हैं। तो ऐसे संतुलन आपके जीवन में आए, उसके बाद अगर फिजिकल बॉडी ठीक है तो आपका माइंड भी ठीक होना चाहिए, माइंड ठीक है तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कैसे कर सकते हो, मेडिटेशन में हम वो भी सीखेंगे और उनका क्या महत्व है, तो ताकि आप इनर हैप्पीनेस भी अचीव कर सको। तो एक बेसिक जो इंसान की रिक्वायरमेंट रहती है हेल्थ और वेलनेस को लेके, वो इस सारे प्रोग्राम में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम को करने में, 1 तारीख से शुरू होने वाला है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और कोई इंक्वायरी है, कोई समस्या है, कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप पर आप इसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फिट फॉर लाइफ लेवल 1 कोर्स के बारे में। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए कि ये इतनी चीज़ें हम क्यों सीखें, लेकिन देखिए क्या है कि जो एजुकेशन जो है वही सॉल्यूशन है। अज्ञानता जो है वो दुख का कारण है, अविद्या जो है दुख का कारण है, और दुख को हटाने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा, अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ के ऊपर सारी उम्र काम कर पाएंगे, स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आज इस जिम में गए हैं, कल उस जिम में गए हैं, आज इस योगा टीचर के पास गए हैं, कल उस योगा टीचर के पास गए हैं, और बहुत जगह मैनिपुलेशन चलती है, लोग अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए आपको घुमाते रहेंगे, कभी आप कोई सप्लीमेंट खाना शुरू कर देंगे, कभी आप कुछ अलग प्रकार का कोई वर्कआउट निकल जाएगा उसको करना शुरू कर देंगे। जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डिपेंडेंसी रहेगी, एक परतंत्रता रहेगी जो आपको घुमाती रहेगी और दुखी रखेगी। फिर आप किसी महीने आप थोड़ा सा अच्छे दिखना शुरू होगे, थोड़ा अच्छा महसूस करोगे, अगले महीने जब आपने वो क्लासेस छोड़ दी या कुछ बात हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, कहीं ना नहीं जा पाए, फिर आप उसी स्टेज पर आ जाएंगे। तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी कोई सारी दुनिया को योग नहीं करा सकता, मैं भी सबको फिटनेस क्लासेस हर रोज़ नहीं दे सकता, तो मैं भी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति एजुकेट हो और खुद चीज़ उस चीज़ को समझे और खुद से अभ्यास करे। मैं पार्क्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कितनी गलत एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं, वो सुबह उठे भी हैं, वो जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के पार्क में भी आए हैं और उनको पता भी नहीं कि क्या उनको करना है। तो एजुकेशन ही उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। अगर कोई कर रहा है तो इतनी ज़्यादा कर रहा है, कोई कर रहा है तो इतनी कम कर रहा है कि उसका कोई इफेक्ट ना हो, तो उन सारी चीज़ों के बारे में एक जानकारी जन जन में फैले, सब लोगों तक पहुँचे। खासकर अभी ये फ़िलहाल जो कोर्स है ये नॉर्मली जो मेरे से कॉन्टैक्ट में है उन लोगों के लिए है, ताकि वहाँ से एक छोटे से सर्कल से मैं शुरू कर सकूँ, फिर इसको हम ऑफलाइन लेवल पर भी लेके जाएंगे और एक बड़े लेवल तक भी लेके जाएंगे, आप सबका सहयोग रहा तो। तो ये इस कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।